हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड आपको मालूम है, मैं यहाँ पे ब्यूटी टिप्स और होम रेमेडी देते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि है ड्राई स्किन वालों के लिए। तो एक ऐसा फेस मास्क जो आपकी पूरी स्किन की प्रॉब्लम को दूर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ड्राई स्किन को जानेंगे कि ड्राई स्किन कैसे होती है। तो फ्रेंड, जैसे कि सर्दियों का मौसम आने वाला है तो हमारे ड्राई स्किन के लिए ये काफ़ी नुकसान लेकर आता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, सूख हवा चलती है तो हमारी स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो गायब होने लगता है, और हमारी स्किन से मॉइस्चर गायब होने के कारण हमारी स्किन जो होती है ड्राई होने लगती है, और ड्राई होने से हमारी स्किन फटी फटी सी होती है। तो फ्रेंड्स, जिससे क्या होता है, हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है और बिल्कुल भी देखने में छूने में अच्छा नहीं लगता है, और हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो देखते हैं इससे बचने के लिए हम कौन सा ऐसा फेस मास्क लगाएं जो कि हमारे घर पे ही हमें आसानी से मिल जाए। तो देखिए, तो जानते हैं हम फेस मास्क। ठीक है गाइस, तो जो फेस मास्क मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है दही। जी हाँ, दही। सबसे पहले हम दही के बेनिफिट्स यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कि वो कैसे वर्क करता है हमारी स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इसका बेनिफिट है हमारे स्किन के लिए, ये हमारे स्किन को यंग जवां बनाने में ये हमारी स्किन में मदद करता है। सेकेंड है नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट। दही नेचुरली हमारी स्किन को ब्लीच करता है और एक ग्लो लेकर आता है, और जो भी दाग धब्बे हैं उनको दूर करने में मदद करता है। थर्ड है, दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन की मृत त्वचा होती है, डेड स्किन सेल्स होते हैं, उसको रिमूव करता है, और हमारे जो रोम छिद्र होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, उनको बंद करता है, क्लोज करता है, टाइट करता है, जिससे क्या होता है हमारा मॉइस्चर उड़े ना, और उसको लॉक रहेगा तो बाहर की गंदगी अंदर नहीं जाएगी, और जिससे ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स भी नहीं होंगे और हमारी स्किन एकदम तंदुरुस्त रहेगी। चौथा है, हमारी स्किन में जो रिंकल और झुर्रियों की प्रॉब्लम होती है उसको ये दूर करता है, और स्किन जो हमारी ढीली ढाली हो जाती है उसको ये टाइट करने में मदद करता है। तो ये रहे कुछ ऐसे बेनिफिट जो दही हमें नेचुरली देता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये रहे दही के कुछ बेनिफिट्स जो आपको मैंने बता दिए, और भी कई सारे इसके फ़ायदे हैं गाइस, लेकिन इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए, और इसको लगाने के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो इससे आप आसानी से लगा सकते हैं, बेचिंत तो होके लगा सकते हैं। कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं आगे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक चम्मच भर के दही ले रखा है, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, और मैंने एक दो ड्रॉप इसमें रोगन बादाम ऑयल की डाल दिए हैं ज़्यादा मॉइस्चर लाने के लिए। आप चाहे तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं गाइज, सॉरी शहद और दही का पेस्ट भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने पेस्ट बना लिया, अब मैं इसको अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करूँगी और पूरे फेस को कवर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे 10 से 15 मिनट अपने फेस पर सुखाने के लिए रख दें, और जब थोड़ा बहुत सूख जाए, थोड़ा सा वेट रहना चाहिए, उसके बाद आप अपने फेस को अच्छे से हल्के हाथों से मसाज दें। मैंने वीडियो फॉरवर्ड किया हुआ है जल्द में, तो आप आराम से फेस को मसाज दें, और जब मसाज हो जाए उसके बाद आप फेस को वॉश करें। देखिए, मैं फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ, पानी टपक रहा है, मैंने फेस को ड्राई नहीं किया है। कितनी ग्लोइंग स्किन लग रही है गाइज, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फेस ड्राई कर लिया है और कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम नहीं लगाई है। कितनी स्मूथ और कितनी ग्लोइंग स्किन आपको लग रही है, आप फील कर सकते हैं गाइज। तो आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज़ करें गाइज, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।